माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मैं कामना साहनी आपके लिए टेंसेस की सीरीज का चौथा वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। टुडेज टॉपिक, आज का अध्ययन बिंदु है व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम पढ़ेंगे आज कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्यों का निर्माण कैसे करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं व्हाट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा। इस काल के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आता है और हम इसे इसी काल का वाक्य कहते हैं। यानी कि हम कौन से काल का वाक्य कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। देखिए, जब मैंने आपसे कहा चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, तो इसका अर्थ ये है कि आप इसमें कार्य की समाप्ति दिखाते हैं, यानी कि आपने वो कार्य समाप्त कर लिया है। समझिए, आप खाना खा रहे थे और आपने उसी समय खाना ख़त्म करा, तो मैं क्या कहूँगी, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं टीवी देख चुकी हूँ, वह जो है जा चुके हैं, हम पिक्चर देख चुके हैं। तो यानी कि इसमें हम वो वाले वाक्य बनाते हैं जिसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि हम कार्य की समाप्ति बता चुके हैं। अब इसके अंदर कैसे वाक्य आ सकते हैं, जैसे राम नहा चुका है, जैसे विकास खाना खा चुका है, जैसे राधिका दिल्ली जा चुकी है। यानी ध्यान रखिए, सारे वाक्यों में पीछे चुका है, चुकी है या चुके है आ रहा है। यानी इसमें राम नहाने का कार्य समाप्त कर चुका है, विकास खाने का कार्य समाप्त कर चुका है और राधिका तो दिल्ली पहुंच चुकी है, कहने का अर्थ है वो जा चुकी है, यहाँ से चली गई और वो पहुंच भी गई। अगर मैं इसको इंग्लिश में बनाऊंगी तो क्या बनेंगे, राम हैज टेकन अ शॉवर या बात। शॉवर का मतलब होता है नहाना और बात का भी मतलब वही होता है। विकास हैज ईटन फूड और राधिका हैज गॉन टू दिल्ली। ध्यानपूर्वक देखें, इसके अंदर मैंने हैज़ का या मैं हैव का प्रयोग कर रही हूँ, तो इसमें जो सहायक क्रिया हमने इस्तेमाल करी वो हैज़ हैव होती है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने तीन फॉर्म्स पढ़े थे उनमें से थर्ड फॉर्म, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जो थर्ड फॉर्म है उसका हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे, टेकन, ईटन और गॉन, ये तीनों के तीनों जो है वो थर्ड फॉर्म है। जैसे टेक, टुक, टेकन, तो टेक फर्स्ट, टुक सेकेंड, टेकन थर्ड। ईट, एट, ईटन, ईट फर्स्ट, एट सेकेंड, ईटन थर्ड। गो फर्स्ट, वेंट सेकेंड, गॉन थर्ड। तो इसमें हम थर्ड फॉर्म की क्रिया का प्रयोग करते हैं। अपन अब इसका सूत्र पढ़ते हैं। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सूत्र अपन पढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत में जैसा मैंने कहा, सब्जेक्ट आता ही है। इसके बाद हम जो है दो चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, या तो हम करते हैं हैज का और या हम करते हैं हैव का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद जो है आप हमेशा कौन से फॉर्म की क्रिया का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और हम उसके पीछे लगाते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब हमको देखना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो हमें समझ में आ गया, हम याद भी कर लेंगे, लेकिन हैज और हैव को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये देखेंगे हैज और हैव का प्रयोग क्या है। आप देखिए, हैज जो है उसका प्रयोग हम करते हैं ही, शी, इट के साथ, और हम नाउन सिंगुलर नंबर, यानी कि नाउन हम एक वचन जो होता है उसके साथ इसका प्रयोग करते हैं। और नाउन सिंगुलर का मतलब, जैसे समझिए राम आ गया तो हम राम हैज़ लगाएंगे, सीता हैज़, श्याम हैज़, जुबन हैज़, सलमान हैज़। यहाँ पर जितने भी मैंने एक नाम दिए वो एक एक नाम दिए, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, तो हम हैज़ का प्रयोग तो यहाँ करते हैं। और हैव का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन का जो बहुवचन है। अब आप प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई आई तो एक वचन है तो आपने आई के साथ हैव क्यों लगाया, तो ये इंग्लिश के साथ है कि एक नियम है ये कि आई के साथ और यू भले ही एक वचन हो लेकिन उसके साथ आप हैव का ही प्रयोग करते हैं। ये अंग्रेजी में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि एक स्पेशल नियम है,
और हम कहते हैं कि आई के कि इसके साथ ऐसा तो होता है लेकिन इस चीज़ के साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारे को बहुत सारे इंग्लिश के जो हमारे वाक्य होते हैं बनाने में या वाक्य जो नियम होते हैं उनमें होते हैं। तो आपको हमेशा याद करना है, जब भी आप आई लिखेंगे तो हैव लगाएंगे, वी लिखेंगे हैव, यू हैव, दे हैव, और अगर नाउन आपका प्लूरल है, समझिए आपने कहा रवि एंड सलमान, तो इस रवि एंड सलमान मिलके दो हो गए, तो रवि एंड सलमान हैव, आप उसके अंदर हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब अपन देखते हैं आगे कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे तो अपन को और क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ वाक्य जो है बनाते हैं, देख रहे हैं ये आदमी कितनी मेहनत से चल रहा है। मैं बार बार कहूँगी कि आप प्लीज़ ध्यान दें और वाक्यों का निर्माण करना सीखें। चलिए हम कुछ वाक्य बनाते हैं। जैसा मैं हमेशा करती हूँ, चित्र दिखाती हूँ, हिंदी में वाक्य पहले आपको बताती हूँ फिर उसको अंग्रेज़ी में हम बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये एक पुलिस वाले ने एक चोर को पकड़ लिया है, तो इसका वाक्य क्या बन सकता है हिंदी में, पुलिस वाले चोर को पकड़ चुका है। तो अपन इसको क्या करेगा, करेंगे पुलिस वाला चोर को पकड़ चुका है, तो बनेगा द पुलिसमैन हैज कॉट द थीफ। अब पुलिसमैन एक वचन था तो मैंने लिखा द पुलिसमैन, पीछे क्या मैंने लगाया हैज का मतलब एक वचन था इसलिए मैंने इसमें सहायक क्रिया लगाई हैज, और कैच का थर्ड फॉर्म कैच कॉट कॉट, यानी कि थर्ड फॉर्म कॉट लगाया और किसको पकड़ चुका है चोर को, तो मैंने लिख दिया द थीफ। अब देखिए दूसरा वाक्य, अब ये लड़की जो है वो दौड़ जीत चुकी है, ये वाक्य बन सकता है, तो अपन करेंगे लड़की के लिए क्या आता है गर्ल, दौड़ के लिए क्या आता है रेस, और जीत के लिए क्या होता है विन, और विन का थर्ड फॉर्म क्या होता है वन। तो अब देखते हैं अपन कैसे बनाएंगे, अपन ने लिखा द गर्ल एक वचन है तो मैंने लगाया हैज, वन क्रिया लगाई जीतने के लिए थर्ड फॉर्म की द रेस। इसी तरीके से अब अपन ये वाला देखते हैं, आदमी पहाड़ पर चढ़ चुका है। अब देखिए चढ़ चुका है या पहुंच चुका है, वैसे पहुंच चुका है बेटर रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे आदमी को हम क्या कहते हैं द मैन, और एक वचन है, फिर मैंने लगाया हैज, पहुंचने के लिए क्रिया रीच, रीच का थर्ड फॉर्म क्या होते हैं रीच्ड, द माउंटेन टॉप यानी पहाड़ के ऊपर वो पहुंच चुका है। इसी तरीके से अगर मैंने ये वाक्य बनाया, देखिए इसमें मैंने कहा मेरे पिताजी स्वादिष्ट भोजन पका चुके हैं, तो मेरे पिताजी क्या होते हैं माय फादर, फिर एक वचन है तो मैंने फिर हैज लगाया, कुक का थर्ड फॉर्म क्या था कुक्ड, और मैंने कहा स्वादिष्ट यानी टेस्टी और भोजन यानी फूड, तो मेरा वाक्य क्या बना माय फादर हैज कुक टेस्टी फूड। मैंने केवल आपको ये कहा है हमेशा अंग्रेजी का वाक्य और हिंदी के वाक्य बहुत सरल है, अगर आपको अंग्रेजी शब्द आते हैं आप बना सकते हैं उसमें, केवल ये देखिए अगर चुका है तो आपको हैज हैव लगाने हैं, या आप हैड लगाते हैं तो इसमें तो अभी वर्तमान काल का बना रहे हैं, तो हमने जो है इसमें हैज और हैव का प्रयोग किया। और आपको ये केवल मात्र ये याद रखना है कि हमको जो है कर्ता और कर्म के बीच के अंदर क्रिया को लगाना है, तो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस कभी भी गलत नहीं बनेगा। चलिए अपन चार और वाक्य बनाते हैं। अब ये देखिए ट्रेन चल रही है यानी रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, तो हम क्या करेंगे द ट्रेन पहुंचने के लिए वही क्रिया रीच, तो द ट्रेन हैज रीच्ड द स्टेशन, ट्रेन एक वचन है इसलिए हैज रीच्ड यानी पहुंचना और स्टेशन पर पहुंच चुकी है। अब ये देखिए इसमें है सैनिक दुश्मन पर आक्रमण कर चुके हैं, ये मैंने बहुवचन ले लिया तो मैंने कहा द सोल्जर्स, सोल्जर की जगह सोल्जर्स, अब ये अपने बहुवचन आ गया इसलिए हैज की जगह यहाँ पर क्या आएगा हैव, वेरी गुड, और आक्रमण के लिए क्या आया अटैक, तो अटैक का थर्ड फॉर्म क्या आया अटैक्ड, तो ATACKED अटैक्ड, और दुश्मन द एनिमी। अब अपन ने यहाँ पर देखा इसमें आया वह तैराकी सीख चुका है, तो यहाँ लड़का है इसलिए मैंने क्या बनाऊंगी मैं वाक्य ही, एक वचन है इसलिए हैज, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा लर्न, लर्नड, लर्नड, इसको लर्नड मत कहिएगा लर्नड, LEARNT, लर्नड स्विमिंग, तैराकी सीख चुका है तो स्विमिंग के लिए हम जो है तैराकी के लिए लगाएंगे, और एक वचन है इसलिए हैज लगाया। अब अपन यहाँ पर आए चूहा, देखिए अपन ने पकड़ लिया है चूहेदानी में,
तो मैंने चूहे को चूहेदानी में पकड़ लिया है, या मैं पकड़ चुकी हूँ, मैं ये भी लिख सकती हूँ मैंने चूहे को चूहेदानी में पकड़ लिया है, यानी लिया से भी हमको क्या पता चला कि हम कार्य को समाप्त कर चुके हैं, तो हम क्या कहेंगे आई, आई के साथ क्या आता है, अब आई एक वचन है फिर भी आप इसमें हैव लगाएंगे, पकड़ने के लिए क्रिया क्या है कॉट, तो मैंने कहा कॉट किसको पकड़ा है, अ माउस या रैट जो भी, इन द ट्रैप, ट्रैप क्या होता है चूहे दानी। इस तरीके से अपन को जो है वाक्य बनाने हैं, ध्यान रखिए इसमें आपको किसका ध्यान रखना है हैज और हैव का, हैज एक वचन के लिए और हैव बहुवचन के लिए, हैज अगर सर्वनाम कहेंगे तो ही शी इट के लिए, और अगर अपन हैव का प्रयोग करेंगे तो आई वी यू और दे के साथ आप इसका प्रयोग करते हैं। अब हम गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य बनाते हैं। देखिए ये लड़की बहुत जो है मेहनत से कर रही है काम, प्लीज़ आप भी गृह कार्य के वाक्य बनाएं, जितने वाक्य आप बनाएंगे आप उतने बेस्ट बनेंगे वाक्य बनाने में, स्वयं भी खुद वाक्य बनाएं, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट करें मेरे को, मैं उस कमेंट में भी आपको समझा दूँगी। मैं आपको इसमें 8 वाक्य गृह कार्य के लिए दे रही हूँ। पहला है उसकी टांग टूट गई है, तो मैंने जो इसका आपको लिख कर दिया है वो क्या है ब्रोकन, यानी ब्रोकन का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है, और टांग तो आप जानते हैं लेग है। अब ये देखिए मेरी माँ कपड़े प्रेस कर चुकी है, तो इसमें प्रेस करने की क्रिया क्या लिखी है मैंने आयरन, ठीक है, और कपड़े आप जानते हैं क्लोथ्स होता है, और मेरी माँ तो आप जानते हैं माई मदर। चलिए ये देखिए मैंने कार खरीद ली है, इसके अंदर थर्ड फॉर्म की क्रिया हम क्या लगाएंगे बॉट, तो आप ये लिखिएगा बनाइएगा। इसमें लड़की क्या कर रही है आपने देखा वो जाले साफ कर रही है मकड़ी के, तो सीमा मकड़ी के जाले साफ कर चुकी है, तो इसमें आप जो है साफ करने के लिए तो क्रिया क्या है आपकी क्लीन्ड, और मकड़ी के जाले को हम क्या कहते हैं स्पाइडर वेब। अब देखिए ये है कपड़े सूख चुके हैं, इसमें जो हम कपड़ों का तो मुझे हिंदी लिखने की ज़रूरत इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, ड्राइड का मतलब होता है सूखना, सूख चुके हैं, ठीक है। अब ये देखिए एक छोटी सी बच्ची है और माँ उसको चलना सिखा रही है और वो सीख भी गई है, तो इसके अंदर अपन कहेंगे लर्नड, ठीक है, और लर्नड का मतलब सीख लेना। अब नेक्स्ट है ये देखिए पेड़ नीचे गिर गया है, तो गिरने के लिए क्रिया क्या लगाई है अपन ने फॉलन, तो पेड़ नीचे फॉलन और नीचे के लिए क्या होता है डाउन, तो फॉलन डाउन, ठीक है, ये आपको यूज़ करके बनाना है। और इसमें आदमी कचरा डाल चुका है, तो यहाँ पर गार्बेज को हमने क्या कहा कचरा, ठीक है, और गार्बेज हम कचरे को कहते हैं और वो डाल चुका है, तो अब आपको इसमें क्रिया क्या होगी डालने के लिए पुट, ठीक है, और कहाँ पे डाल चुका है ये डस्टबिन में डाल चुका है, तो आप इसका गार्बेज बिन कर सकते हो, ठीक है। अभी अपन जो है आपको ये 8 वाक्यों को बनाना है। नाउ अ बिग थैंक यू टू ऑल हु हैव वॉच्ड माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। आपको पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा वीडियो देखा, प्लीज़ आप इसे लाइक भी करें और इसे सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताएं। थैंक यू।